आज की वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आई विज्ञप्ति के बारे में। तो देख लेते हैं, जैसे कि आपको एक नोटिस देखने को मिल रहा होगा कि क्या विज्ञप्ति देखने को मिल रही है। तो आयोग द्वारा सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 8 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा अभी कुछ महीने पहले क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, है ना। तो उसमें क्या है, कई अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तो ये न्यूज़ उन अभ्यर्थियों के लिए है कि जिनके फॉर्म में, आवेदन फॉर्म में कोई गलती रह गई है, चाहे वो आपके नाम की गलती हो या आपकी फ़ोटो गलत अपलोड हो गया हो या आपके पिताजी के नाम में कोई मिस्टेक हो गई हो, है ना, या आपकी डेट ऑफ बर्थ, लिंग, इसके अतिरिक्त तो कोई भी संशोधन जो आपके फॉर्म में, चाहे वो आपकी ईमेल आईडी गलत हो गई हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म में संशोधन होना है, तो संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थियों को क्या है, ई मित्र ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ₹500 का शुल्क जमा कराते हुए आयोग के ऑनलाइन पोर्टल, ये आपको पोर्टल देखने को मिल रहा है, पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक अथवा SSO पोर्टल से लॉग इन कर सिटीजन ऐप में उपलब्ध जो ये पोर्टल है इसका चयन कर कर क्या है, आप इस परीक्षा से संबंधित जो भी संशोधन आपको आपके आवेदन पत्र में कराने हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी उन अभ्यर्थियों के लिए न्यूज़ जिनके आवेदन पत्र में कोई गलती रह गई है, ठीक है। इसके आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है कि उक्त परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन संशोधन के ही विकल्प का प्रयोग करें। यानी कि जो भी संशोधन आपका होगा वो क्या होगा, आपके ऑनलाइन संशोधन होगा, है ना। कोई ऑफलाइन अगर आप कोई संशोधन करना चाहते हैं तो ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि आपने फॉर्म तो ऑनलाइन ही अपलोड किया है ना। तो वही बात कही है कि जो भी संशोधन होगा वो आपके ऑनलाइन किया जाएगा, ना कि ऑफलाइन, ठीक है। तो अगर देखिए आपके संशोधन में कोई दिक्कत आ रही है, आप संशोधन नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो आप ही देखिए यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी दे दी गई है, आप यहाँ पर क्या है अपनी समस्या को रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर भी आपको देखने को मिल रहा है, ये दो फ़ोन नंबर हैं, इस पर आप अपना संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं कि आपके आवेदन पत्र में किस चीज़ में संशोधन नहीं हो रहा है, ठीक। इसके अतिरिक्त देखिए उन अभ्यर्थियों के लिए भी क्या है, यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है जिन्होंने क्या है गलत आवेदन पत्र भरे हैं। गलत से तात्पर्य क्या है कि जिन अभ्यर्थियों की ना तो कोई निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है या फिर किसी ने फर्जी तरीके से कोई आवेदन किया है, यानी कि उनके पास कोई शैक्षणिक योग्यता है नहीं है, जो क्राइटेरिया आपका दिया था फॉर्म भरने का असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए, तो उनमें उनकी जो अर्हताएँ थी उनमें वो परिपूर्ण नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों ने क्या है ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, तो एक बार वो अपने फॉर्म को देख लें, वरना उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। अगर वो अपनी शैक्षणिक योग्यता में पूर्ण रूप से सफल नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो जो उन्होंने सर्टिफिकेट लगाए हैं अगर वो फर्जी हैं तो उनके पास सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत एवं आयोग की आगामी भर्ती परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसे अभ्यर्थी क्या है जो इन्होंने फॉर्म भरे हैं वो 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक क्या है अपना जो उन्होंने फर्जी फॉर्म भरा है ना, कोई योग्यता उनके पास है नहीं, गलत सर्टिफिकेट लगाया है ना, तो वो अपने जो उन्होंने आवेदन करा है उसको निरस्त करें। यहाँ पर आपको देखिए ये पोर्टल दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है, जब उस पर जाएंगे आप अपने पोर्टल पर, तो वहाँ पर आपको सारा डाटा दिया हुआ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है अपने फॉर्म को निरस्त करना है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नोटिफिकेशन है, उन बच्चों के लिए चेतावनी है जिन्होंने गलत फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हैं, ठीक है। अगर वो 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक इस सब चीज़ को ठीक कर लेते हैं निरस्त, ठीक है, तो उनको इस चीज़ से छोड़ दिया जाएगा। ऐसा ही आपने देखिए जब RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जब वैकेंसी थी, ऐसे जाने कितने फर्जी फॉर्म थे जो भरे गए थे और उनके जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो फर्जी पाए गए थे। तो उनके ऊपर भी क्या है नोटिस जारी किया गया था कि अगर बाद में, पहले तो उन्होंने अगर उन्होंने गलत किया तो उस चीज़ से क्या है वो निकल जाएं,
ठीक है, अपने आवेदन को निरस्त करवा दें। अगर नहीं करवाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शायद आप लोगों ने ये नोटिस पढ़ा होगा। तो आज की जो वीडियो थी उसमें आपको दो चीज़ हमने आपको बताई कि जिन जिन अभ्यर्थियों ने संस्कृति शिक्षा विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है, तो अगर उनके फॉर्म में, आवेदन पत्र में कोई गलती रह गई हो, है ना, किसी भी, चाहे आपके नाम में हो, आपकी फ़ोटो में हो, आपकी जन्म तिथि के ऊपर कोई गलती हो, कोई भी गलती हो, तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं। आपके जो संशोधन होगा उसकी फ़ीस कितनी होगी? 500 रुपये, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको एक और चीज़ बताई कि अब देखिए जो आप संशोधन है वो कब से कब तक कर सकते हो। इसमें डेट आपको दिख रही है 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक, ठीक है। आपको ये क्या है, अपना संशोधन कर लेना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे आपको ईमेल आईडी दी हुई है, वहाँ पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। अन्यथा आप जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर भी क्या, आप अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक और नोटिस हमने आपको बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने फर्जी सर्टिफिकेट लगा के आवेदन किए हुए हैं तो वो अपने आवेदन को निरस्त कर दें। कैसे निरस्त करना है वो उसमें लिखा हुआ है। 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक उन्हें भी क्या है, अपने आवेदन पत्र को देख लेना है, ठीक है। अगर गलत सर्टिफिकेट पाए गए, फर्जी सर्टिफिकेट पाए गए, तो उनके ऊपर क्या है, कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।